दोस्तों कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हम बिना पीसीसी का सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को पीसीसी कराना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर के उनका वीजा स्टाम्पिंग होगा। दोस्तों अगर आप फैमिली वीजा पे आते हैं, टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, उम्रा वीजा पे आते हैं, और भी बहुत तरह का वीजा है, अगर ये सारे वीजा अगर आप स्टाम्पिंग कराते हैं सऊदी अरब आने के लिए, तो आपको कोई पीसीसी कराने की जरूरत नहीं है। पीसीसी सिर्फ उन्हीं लोगों पे लागू है जो लोग वर्क वीजा पे आ रहे हैं, यानी कि किसी कंपनी में वो लोग काम करने के लिए आने वाले हैं, तो उनको आने से पहले, स्टाम्पिंग कराने से पहले पीसीसी कराना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप अपना फैमिली को बुला रहे हैं तो फैमिली बुलाने के लिए आपको पीसीसी कराना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए, तो ये नहीं है कानून। नया कानून जो निकला हुआ है वो सिर्फ वर्क वीजा पे निकला हुआ है, जो लोग वर्क काम करने के लिए सऊदी अरब में आएंगे उन्हीं लोगों को पीसीसी कराना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग थे जो हमसे सवाल कर रहे थे, भाई अपना फैमिली बुलाने वाला था मैं, क्या हमारे फैमिली को भी पीसीसी कराना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, आपको फैमिली को पीसीसी कराने की कोई जरूरत नहीं, ना ही अपने फैमिली को मेडिकल कराने की जरूरत है। बस आप यहाँ से वीजा भेजिए, स्टाम्पिंग कराइए और टिकट लीजिए और आ जाइए। फैमिली विजिट वीजा है या कोई भी वीजा होता है, तो उसके लिए गम का मेडिकल वगैरह जो भी मेडिकल होता है वो कोई कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपको वीजा जब भेजना है, वीजा स्टाम्पिंग कराना है, उसके बाद से उधर से टिकट लेकर के चले आना है। वीजा स्टाम्पिंग कराने में प्रॉब्लम उन्हीं लोगों का होता है जो लोग वर्क वीजा पे आते हैं आपके, उनको गंगा का मेडिकल कराना पड़ता है, उनका मुफा लगता है, उनका पीसीसी होगा, पीसीसी क्लियर होने के बाद जाकर के उनका वीजा स्टाम्पिंग होगा। तो अगर आप विजिट वीजा पे आते हैं, टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, हज वीजा पे आते हैं, फैमिली विजिट वीजा पे आते हैं, तो ये सारे लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीज आप लोगों को समझ में आया हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए कि जो लोग कंफ्यूजन में है कि क्या अपने फैमिली को बुलाने वाले हैं तो उनको पीसीसी कराना पड़ेगा, तो उन लोगों का कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।